थोड़ी देर में एलएसी विवाद पर भारत चीन की एक अहम बैठक शुरू होने जा रही है। आज की बहुत बड़ी खबर है जिस पर टीवी एन भारतवर्ष की नजर बनी हुई है। सुबह 10:30 बजे से भारत चीन की कमांडर लेवल मीटिंग शुरू होनी है। चीन की तरफ मॉल्डो में भारत चीन के बीच ये 12वें दौर की बैठक होगी। एलएसी विवाद और आगे के डिसएंगेजमेंट पर यह बातचीत की जाएगी। डेपसांग, गोगरा और हॉट स्प्रिंग में डिसएंगेजमेंट पर चर्चा होगी, क्योंकि अभी पूर्वी लद्दाख में पैगोन्सो के पास से तो चीन की और भारत की सेना थोड़ी पीछे आई है, लेकिन अभी एक कई सारे इलाके हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं, जिन पर अभी भी चीन की सेना आगे डटी हुई है और उसको पीछे जाने के लिए और यथास्थिति जो पहले से थी, अप्रैल से पहले 2020 से पहले, भारत कह रहा है कि उस स्थिति पर आना पड़ेगा चीन को, और इसीलिए लगातार ये बातचीत का सिलसिला चल रहा है। आइए, अब सवाल है कि क्या भारत और चीन के बीच बात बनेगी और क्या ये बात 12वें दौर की बातचीत में बनेगी, क्योंकि यही एक रास्ता नजर आता है जिससे हल निकाला जा सकता है। देखिए, भारत और चीन की सेनाओं के बीच कोर कमांडर स्तर की मीटिंग, इससे पहले भी कई मीटिंग्स हो चुकी हैं। कई मीटिंग में तो विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हुए हैं। तो ये और पूर्वी लद्दाख में एलएसी विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत की जा रही है। एलएसी के तनाव पर 12वें दौर की एक कमांडर मीटिंग है जिस पर बहुत दिनों के बाद ये मीटिंग हो रही है, सबकी नजरें बनी हुई हैं इस पर। मॉल्डो में ये मीटिंग होनी है, एलएसी के तनाव पर ये 12वें दौर की मीटिंग है, और मॉल्डो को जो कि चीन की तरफ पड़ता है उसमें दोनों सेनाओं के कमांडर मिलेंगे और इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर इस तनाव को कैसे कम किया जाए। गोगरा, डेपसांग और हॉट स्प्रिंग के में जो इस वक्त तनाव बरकरार है उसके डिसएंगेजमेंट पर बातचीत होगी, और यही सबसे बड़ा सवाल है कि बातचीत होगी लेकिन क्या हल निकलेगा। आइए आपको जल्दी से बता देते हैं कि कहां कहां विवाद है, आप इसको समझिए, फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। आइए एनिमेशन के जरिए आपको दिखाते हैं यहां पर कैसे कौन कौन से इलाके हैं जहां पर अभी भी भारत और चीन के बीच तनाव बरकरार है, और भारत कह रहा है चीन से कि आप यहां से जाइए। पैगोन से जो लेक है इसके किनारे से तो चीनी सेना पीछे गई है, लेकिन अभी भी वहां पर और ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत है। इसके बाद डेपसांग प्लेन, यहां भी विवाद है, आप देखिए गोगरा, यहां भी विवाद है, और हॉट स्प्रिंग, यहां भी अभी भी विवाद बरकरार है। मैं जल्दी से जनरल सिवाच आपके पास आता हूं, मैं आता हूं आपके पास जनरल सिवाच, और जनरल सिवाच से बात करते हैं। जनरल सिवाच, क्या लगता है आपको, कितनी उम्मीद है इस बातचीत से? देखो गौरव, हर बात उम्मीद तो होनी चाहिए, मगर मुझे नहीं लगता कि कोई खास ज्यादा इसका आउटकम होने वाला है। उसके कुछ एक कारण है। आपको पता है कि ये तीन सब सेक्टर हैं, एक तो पेंगेंगसो का सब सेक्टर है, एक गोगरा हॉट स्प्रिंग और एक डेपसांग का है। और पिछली बार जब 9th कोर कमांडर की मीटिंग हुई थी उसके बाद पार्शल डिसएंगेजमेंट हुआ था, जब से नॉर्थ पेंगेंगसो से जो चीनी सोल्जर फिंगर 4 से फिंगर 8 गए थे और भारत ने साउथ पेंगेंगसो में क्लास रेंज को खाली किया था, और फेज 2 के अंदर गोगरा हॉट स्प्रिंग और उसके बाद फेज 3 में डेपसांग को में विड्रॉ होना था, मगर चीन ने ये बात नहीं मानी। फेज 2 और फेज 3 में वो ने डिसएंगेजमेंट नहीं की। उसका रीजन ये था क्योंकि जो इसके अंदर कड़ी थी हमारे पास ट्रम्प कार्ड था, वो था क्लास रेंज, जो हमने 29-30 अगस्त को एक ऑफेंसिव मैन्यूवर, जिसको वर्ल्ड के अंदर वन ऑफ द बेस्ट ऑफेंसिव मैन्यूवर बोला जाता है, उसको हमने ऑक्यूपाई किया, तो चीन को बड़ा डर था, मगर जैसे ही हमने क्लास रेंज को वकेट कर दिया तब हमारे पास लीवरे नहीं रहा, ट्रम्प कार्ड हमने दे दिया, तो उसके बाद ये इस पर भी सेना की तरफ से क्लैरिटी दी गई है, आर्मी की तरफ से कहा गया है कि हमारी हर मूवमेंट पर नजर है और हम पहले से बहुत अलर्ट हैं, और सरप्राइज एलिमेंट अब चीन के पास कुछ बचता नहीं है। अरी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।